मीनाक्षी शेषाद्री 56 साल की हो गई हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें घायल, दामिनी, घातक, शहंशाह, तूफान जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में शामिल है। मीनाक्षी ने अपनी फिल्म करियर छोड़ दिया और अब अपने परिवार के साथ जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। मीनाक्षी को क्लासिकल डांस बेहद पसंद है। उन्हें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी जैसे क्लासिकल डांसेस आते हैं, जिन्हें अब वो दूसरों को सिखाती हैं। उनका टेक्सास में चियर्स डांस स्कूल के नाम से कथक और क्लासिकल डांस स्कूल है। मीनाक्षी जब 17 साल की थी, तब उन्होंने जापान के टोक्यो में मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बात अगर उनकी फिल्मी करियर की करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म पैंचर बाबू से की, लेकिन उनकी असली पहचान डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म हीरो से बनी। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ नजर आए थे। यह फिल्म सुपरहिट रही और रातों रात मीनाक्षी फेमस हो गई। इसके बाद मीनाक्षी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, सनी देओल और विनोद खन्ना जैसे कई दिग्गज कलाकारों के साथ सुपरहिट फिल्में दी। मीनाक्षी के अफेयर को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां रही थी। उनका नाम डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ जोड़ा गया। बताया जाता है कि मीनाक्षी राजकुमार संतोषी को पसंद करती थी, लेकिन वो उनसे शादी करना चाहते थे। शादी की बात को लेकर मीनाक्षी ने साफ इनकार कर दिया था। राजकुमार संतोषी के अलावा मीनाक्षी का नाम जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और डायरेक्टर सुभाष घई के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ कुमार सानू के साथ अफेयर की खबर ने लूटी है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, जिसके चलते कुमार सानू की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था। उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने साफ शब्दों में कहा था कि मैं मीनाक्षी सेशाद्री के कारण कुमार सानू को तलाक देने पर मजबूर हो गई हूं। इसके बाद माना जा रहा है कि कुमार सानू और मीनाक्षी शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 1997 में मीनाक्षी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली, जिसके बाद से वो यूएस में रहने लगी और वहाँ डांस सिखाती हैं। एक इंटरव्यू में मीनाक्षी से जब ये सवाल किया गया कि वो फिल्मों में कब वापस आ रही हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो फिल्मों में नहीं करना चाहती हैं काम, क्योंकि उनके लिए पहले परिवार है। परिवार के लिए उन्होंने फिल्मी करियर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि मीनाक्षी की बेटी फिल्मों में आना चाहती हैं और जल्द ही कोई फिल्म साइन करेंगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।